स्वर्णा, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? तुम्हारा बेटा कहाँ गया है जानती हो तुम? नहीं, मुझे नहीं पता। आपको पता है कहाँ गया वो? नायरा से मिलने गया है वो। तुम्हारा बेटा तुमसे दूर होता जा रहा है स्वर्णा, और नायरा के करीब। ये क्या सोच रही हूँ मैं? और वो भी आप, जब दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं, और वो भी अपनी मर्जी से। क्यों ख्याल आ रहे हैं ऐसे बेकार के मेरे मन में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब नायरा और वो, नहीं, क्यों? कहाँ बुलाया नायरा? कोई है ना कुछ? वीरान सी जगह है। आठ तो बज गए, नायरा कुछ पता ही नहीं। We need to talk, मतलब क्या क्या कहना चाहती हो? बोलो ना प्लीज, क्या कहना है तुम्हें? We need to talk about what? मैंने सोचा, बहुत सोचा, पर कुछ समझ नहीं आया। कन्विंस्ड नहीं हूं मैं, कंफ्यूज्ड हूं, बहुत कंफ्यूज्ड। दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ और। पर फैसला तो लेना ही था, तो ले लिया फैसला। मैंने सोच लिया है कार्तिक, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। मेरे विरोध में ही गलती है जितनी तुम्हारी, तो किस हद से माफ कर दूं मैं तुम्हें? हम दोनों बराबर गिनती है, मैं तो ना जाता। मुझे माफी मांग ले तो। I'm sorry, Kartik. I'm really sorry. शुभम का साथ देना था मुझे, क्योंकि वो कमजोर था उस वक्त, उसे किसी के सहारे की जरूरत थी। पर तुमसे छुपाया, गलत किया। शुभम के रिश्ते ना सही, हमारे रिश्ते से तो मैं तुम्हें बता ही सकती थी ना। शायद अच्छी भाभी बनते बनते अच्छी लाइफ पार्टनर नहीं बन पाई मैं। I'm sorry, God. I'm really sorry. पता नहीं कितनी तकलीफ हुई होगी तुम्हें, कैसे सामना किया होगा तुमने लोगों के सवालों का, खुद अपने सवालों का, कि नायरा ने ऐसा क्यों किया? क्यों किया नायरा ने? हमेशा तुम्हें दोष दिया मैंने कि तुमने मुझे ट्रस्ट नहीं की। मैंने भी कहा ट्रस्ट किया तुम्हें, खुद तुम्हें तुम्हारे अपने भाई की बात नहीं बताई, जबकि तुम हमेशा मुझसे कहते रहे कि मैं कुछ ना छुपाऊं। तुम्हारा गुस्सा जाहिर सा करते, ये ट्रस्ट ना करने की शुरुआत कहीं ना कहीं मुझसे तो हुई है। नहीं कहते, प्लीज कह लेने दो मुझे,
शुभम की मौत के बाद जब मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, जब मुझे चोट लगी, तुम्हें कुछ नहीं बताया मैं, और मन ही मन सोच लिया कि तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम नहीं आओ, और दूसरी तरफ ये सोचती रही कि तुम बुलाओगे तो भाग के आ जाऊंगी तुम्हारे पास, लेकिन खुद नहीं सोचा, खुद नहीं कोशिश की कि वापस जाना। हमेशा तुमसे उम्मीद रखी मैंने और खुद खुद एक कदम भी बढ़ाया आगे। तुमसे हर्ट होके बैठ गई कि तुमने मुझे गलत समझा, कैसा प्यार है ये जो एक सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से हार गई। रिश्तों में इमोशंस का हिसाब नहीं लगाते, ये कैसी मूलहीन है। हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाने लगे, ये नहीं देखा कि गलत दोनों है। माँ की नाराजगी जायज है कार्तिक, उन्होंने अपना बेटा खोया, लेकिन हम दोनों ने क्या किया? उन्हें संभालने की बजाय, फैमिली को संभालने की बजाय उसे और तोड़ दिया, टुकड़े कर दिए उसके। अगर तुम और मैं साथ होते तो शायद माँ कब की नॉर्मल हो गई होती, शायद भाई और माँ भी ऐसे नहीं बटे हुए होते। क्या हमने कार्तिक, क्या किया हमने, और क्यों, किसी को मैं आके कार्तिक, क्या गलत है क्या सही, ये नहीं अब कौन गलत है कौन सही सोचने में लग गए, उस सब में पड़ गए। तुमने ये उम्मीद की थी मुझसे कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो, और मेरी ये जिद थी कि तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते, अगर जिद छोड़ देती तो क्या हो जाता। कभी कभी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में फर्क नहीं कर पाते हैं, और उसी की वजह से टूटते हैं रिश्ते। तुमने भी तो कितनी बार ऐसी चीजें की हैं जो आमतौर पे हस्बैंड्स लड़के नहीं करते, तो मैं क्यों वो नहीं कर पाई कार्तिक जो एक अच्छी लाइफ पार्टनर को करना चाहिए। मैं लड़की हूँ, हस्बैंड ने घर से निकाल दिया गुस्से में, ये सोचने की बजाय अगर ये सोचा होता कि कार्तिक अपसेट है, वो दुखी है, उसे मेरी जरूरत है, तो कब की आ जाती ना भाग के तुम्हारे पास, सिचुएशन से भागने के लिए अपना नजरिया बदल लिया, मुंबई भाग के चली गई, सोचा था तुमसे दूर रहूंगी, पर ये क्यों नहीं सोचा कि हमारे थोड़ा और करीब आ जाए, पूरी कोशिश करूं, कोशिश में कम से कम एक उम्मीद तो होती है, लेकिन जिद में तो तुम मुंबई आए, मुझे एक और मौका मिला था बिगड़ी बातों को बनाने का, और मैंने क्या किया, बात को और बिगाड़ दिया, डिवोर्स के पेपर्स ले आई, तुम तो नहीं लाए डिवोर्स के पेपर्स, इतना कुछ होने के बावजूद तो मैं क्यों, किसकी खुशियां देख रही थी मैं ये रिश्ता तोड़ के। हमारी तलाक की बात जब सबको पता चली, पापा भाई यहाँ तक की लव कुश, उनको तक हमारा प्यार दिख रहा था कार्तिक, पर हम क्यों इग्नोर कर रहे थे। मैंने केस वापस नहीं लिया, मुझे एहसास भी हो रहा था कार्तिक कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, फिर भी नहीं लिया। तब भी ये सोचती रही कि आज तुम रोक लो ये डिवोर्स, आज तुम ये केस वापस ले लो। क्यों मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस रिश्ते को जोड़े जाने की जरूरत है, आखिर तोड़े जाने की। कितनी स्टूपिड हूँ मैं कार्तिक, मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं गधी हूँ, मैं बेवकूफ हूँ कार्तिक, मैं जो अपने कार्तिक से अलग होके खुशी और चैन ढूंढने चली थी, ये क्यों नहीं सोचा कि अपने कार्तिक से अलग होना मतलब दुनिया से मुंह मोड़ लेना, जिंदगी से मुंह मोड़ लेना, मैंने ये क्यों नहीं सोचा। मैं गलती मेरी है कार्तिक, I'm
गलती तुम्हारी नहीं, गलत तो मैं था। ठीक है, मैं भी। गलती सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। नहीं कार्तिक, हम तो नहीं नायरा, गलती सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। कार्तिक, मैंने कहा ना गलती मेरी है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? कार्तिक, गलती मैं हूँ, गलती मेरी है। नहीं, तुम्हारी गलती कुछ नहीं है, कोई गलती नहीं तुम्हारी, और है भी तो मैं नहीं मानूंगा। तुम मेरा प्यार हो नायर, और प्यार कभी गलत नहीं हो सकता। प्यार में इंसान सिर्फ और अच्छा होता है, बेहतर होता है नायरा, गलत नहीं। और वैसे भी गधी तुम नहीं हो, गधी तो मैं हूँ। मैंने अगर वो गधी मैं... तो फीमेल होती है ना, तो तुम कैसे गधी हो सकते हो? और तुम तो वैसे भी गधे नहीं हो सकते, क्योंकि तुम तो मेंढक हो ना। तो तुम भी कहाँ गधी हो, तुम तो मेरी शेरनी हो ना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।